हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेक्चर सेकंड डेरिवेटिव्स का जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो कल हम लोगों ने बहुत ही बेसिक फॉर्मूलाज वगैरह देखे थे, आज हम लोग कुछ एक स्टेप आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स की बात करूँगा। तो यहाँ मैंने अगर मैं फंक्शन एफ एक्स इस लाइन में प्लॉट किए हैं और मैंने उनका डेरिवेटिव जो है वो इस लाइन में प्लॉट किया हुआ, तो आप ये देखो साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। ये ऐसे फॉर्मूलाज है जो आपको याद रखने पड़ेंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव है वो माइनस साइन एक्स होता है। टेंजेंट एक्स का जो डेरिवेटिव है वो सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है। कॉट एक्स का जो डेरिवेटिव है वो माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स होता है। सीकेंट एक्स का जो डेरिवेटिव है वो सीकेंट एक्स टैन एक्स होता है। कॉसिकेंट एक्स का जो डेरिवेटिव है वो माइनस ऑफ कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स होता है। ठीक है, तो आप इसमें एक चीज़ नोटिस करो, जितने भी सी से स्टार्ट होने वाले फंक्शंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनके डेरिवेटिव के आगे नेगेटिव साइन है। तो मतलब कॉस, कॉट और कॉसिकेंट नेगेटिव में होंगे, बाकी साइन, टैन और सीकेंट जो हैं वो पॉजिटिव में होंगे। ठीक है, तो साइन का कॉस, टैन का सीकेंट स्क्वायर और सीकेंट का सीकेंट एक्स टैन एक्स है। देखो सीकेंट और कॉसिकेंट में कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स, तो ये इस तरीके से जो है वो चलता है। ये एक ऐसा फंक्शन है, e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं हम लोग इसको। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव अगर हम लोग करें तो वही आ जाता है, दोबारा e की पावर x ही आ जाता है। तो ये मैं आगे चल के इस फंक्शन के बारे में डिटेल डिस्कशन करूँगा, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। तो log x का जो डेरिवेटिव है टू द बेस e, जिसका बेस e है वो 1 बाय x होता है। log x जिसका बेस a है तो 1 बाय x डिवाइडेड बाय log ए टू द बेस ई। और एक ए की पावर एक्स है, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए की पावर एक्स लॉग ए। यहाँ पे भी एक्चुअल में ई की पावर एक्स है, ई की पावर एक्स लॉग ई जो कि वन के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेस है वो ई है। इसके बाद हम लोग ये सारे फॉर्मूलाज आप 10 के 10 जो है वो लर्न कर लो, उसके बाद हम लोग जो है वो बात करेंगे प्रोडक्ट रूल की। तो प्रोडक्ट रूल में क्या है कि अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है तो उसका जो डेरिवेटिव होता है वो हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो u मल्टीप्लाइड बाय v, u और v दो फंक्शंस हैं, तो अगर इसका डेरिवेटिव हम लोगों को करना है तो ये किसके बराबर होता है, u मल्टीप्लाइड बाय v का डेरिवेटिव। पहले को एज इट इज़ रखो, फिर दूसरे वाले का डेरिवेटिव करो, फिर दूसरे वाले को एज इट इज़ रखो। मतलब देखो यहाँ पे हमने v का डेरिवेटिव किया तो यहाँ पे v एज इट इज़ है और इसके बाद जो है वो u का डेरिवेटिव होगा। ठीक है, तो यू वी फॉर्मूला भी बोलते हैं इसको हम लोग। तो यू वी का डेरिवेटिव इज यू इंटू वी का डेरिवेटिव प्लस वी इंटू यू का डेरिवेटिव। इसके बाद आ जाता है कोशेंट फार्मूला या डिवीजन रूल बोल देते हैं हम लोग इसको। तो इसमें देखो यू बाय वी है अगर, तो यू बाय वी में क्या होता है, डिनोमिनेटर में वी का स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर में टर्म लिखी है उसको यहाँ एज इट इज़ लिखो, फिर उसके बाद ऊपर वाली टर्म जो यू है उसका डेरिवेटिव किया, यहाँ माइनस आएगा, फिर u को एज इट इज़ लिखा और जो नीचे वाली टर्म है उसका डेरिवेटिव किया। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आगे प्रैक्टिस करवाए हुए हैं, तो मैं इस वीडियो में जो है वो आपको क्लियर कर दूंगा। आगे देखो, अब ये जितने रूल्स हैं उसके ऊपर मैंने कुछ मिक्स क्वेश्चंस जो है वो बनाए हैं इन फॉर्मूलाज को यूज़ करते हुए। तो देखो सबसे पहले जैसे x की पावर 4 माइनस 2 साइन x प्लस 3 कॉस x है। तो देखो x की पावर 4 जो है हम लोगों को पता है x की पावर n का जो फॉर्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे 4 नीचे उतरेगा, इसकी पावर में से एक माइनस हो जाएगा। आपको पता है कि कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाता है और अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं हम लोग। तो साइन का डेरिवेटिव यहाँ से चेक करो, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो यहाँ पे हमारे पास कॉस आ गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे प्लस लिखा और कॉस का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन है, तो माइनस 3 साइन एक्स जो है यहाँ पे आ गया। ठीक है, ऐसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 की पावर x प्लस x की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3, इसका डेरिवेटिव देखो ये a की पावर x वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। देखो a की पावर x log a, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 की पावर x log 3। ठीक है, और x क्यूब का डेरिवेटिव भी आप सबको समझ आ गया कि 3x स्क्वायर होगा और ये कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव जो है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, आगे देखो एक और क्वेश्चन है, log x टू द बेस 3, तो ये वाला नाइन्थ वाला फॉर्मूला जो है इसके अंदर लगेगा, ये किसके बराबर होगा, इसका डेरिवेटिव 1 बाय एक्स लॉग 3। ठीक है, यहाँ पे जो बेस है वो ई आएगा, अगर नहीं लिखा हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट ई बेस हम लोग यहाँ पे लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लॉग एक्स टू द बेस ए,
तो ये क्या होगा, थ्री क्योंकि कांस्टेंट है ये बाहर लिख दिया, लॉग एक्स टू द बेस ए का जो डेरिवेटिव होता है वन बाई एक्स लॉग ए जो है इसके बराबर हो जाता है। और यहाँ पे टू टेंजेंट एक्स है, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, देखो टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर एक्स हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, आई होप ये थर्ड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया आपको। फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो देखो एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस टू रूट एक्स प्लस फाइव बाई एक्स स्क्वायर, बहुत सिंपल है। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा थ्री एक्स स्क्वायर, ये कांस्टेंट था मैंने बाहर लिख दिया, और एक्स की पावर वन बाई टू बनेगा रूट एक्स, तो वन बाई टू नीचे उतरेगा, वन में से वन बाई टू में से माइनस वन करेंगे तो माइनस वन बाई टू आ जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे भी जो है ये एक्स की पावर माइनस टू बनेगा, जिसको हमने सॉल्व करके यहाँ लिख दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंड एक्स टैन एक्स, तो यहाँ पे टू सीकेंड एक्स टैन एक्स, और कॉट क्योंकि सी से शुरू है तो माइनस में होगा डेरिवेटिव, तो माइनस थ्री कॉसिकेंड स्क्वायर एक्स माइनस फोर ई की पावर एक्स का जो डेरिवेटिव है वो ई की पावर एक्स के ही बराबर हो जाता है। ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि वाई जो है वो इस तरह का फंक्शन दिया हुआ है और हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, कहाँ पे, जब एक्स की वैल्यू 30 डिग्री है। ठीक है, तो वाई इसका स्क्वायर करो साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ वन हो गया, आइडेंटिटी लग रही है, और यहाँ पे भी आइडेंटिटी है, देखो टू साइन एक्स कॉस एक्स इज साइन टू एक्स, तो यहाँ पे एक्स बाई टू का टू एक्स हो जाएगा तो एक्स आ जाएगा। ठीक है, और इसका अगर मैं वाई डैश लूँ, मतलब वाई डैश मतलब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, तो वन का डेरिवेटिव जीरो और कॉस का डेरिवेटिव जो है साइन का डेरिवेटिव जो है वो कॉस के बराबर हो जाएगा, और कॉस 30 यहाँ पे आ जाएगा रूट थ्री बाई टू। ठीक है, अभी देखो इसके बाद हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल किया था, तो प्रोडक्ट रूल में क्या था, यू इंटू वी का डेरिवेटिव इज यू वी का डेरिवेटिव प्लस वी टाइम्स यू का डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसके अंदर मैं फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल लिया मैंने, एक्स साइन एक्स है तो एक्स एज इट इज इंटू में साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, देखो पहले वाला एज इट इज रखो, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, फिर साइन एक्स एज इट इज लिखा, और एक्स का डेरिवेटिव हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, वन कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स एक्स क्यूब टेन एक्स है, तो एक्स क्यूब को एज इट इज लिखो, टेन का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स, फिर टेन को एज इट इज लिखा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव जो है वो थ्री एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यू एज इट इज वी का डेरिवेटिव, फिर v एज इट इज, देखो यहाँ पे v ये है, v एज इट इज u का डेरिवेटिव कर दिया। ठीक है, मान लो फंक्शन आगे समेशन में है, तो इसको u ले लिया, इसको v ले लिया हमने, तो u एज इट इज v का डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव 1 और log x का 1 बाय एक्स, प्लस फिर ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी यहाँ पे, और e की पावर x का जो डेरिवेटिव होगा वो e की पावर x के ही बराबर होगा। ठीक है, तो आगे देखो कई बार कैसा होता है कि ये फंक्शन यहाँ पे तो दो के मल्टीपल में है, कई बार ये तीन के मल्टीपल में आ जाता है। देखो जैसे एक्स क्यूब इंटू ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव अगर हम लोगों को निकालना है, तो हम इसमें क्या करते हैं, दो फंक्शंस को यू मान लिया यहाँ पे और एक फंक्शन को वी मान लिया। तो यहाँ पे ऐसा क्यों किया है, ये देखो यहाँ पे ये यू एज इट इज लिख दिया मैंने यहाँ पे, और वी का डेरिवेटिव कर दिया, ये इसको मैंने अभी डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख रहा हूँ, प्लस v एज इट इज कर दिया और u का डेरिवेटिव जो है यहाँ लिख दिया। ठीक है, आगे बहुत सिंपल है, ये e की पावर x साइन x एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव थ्री एक्स स्क्वायर, और सिमिलरली एक्स क्यूब यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे सॉल्व हम लोग, देखो यू वी यू एज इट इज इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स, फिर ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव e की पावर x, तो यू वी का डेरिवेटिव इज दिस, फिर वी एज इट इज u का डेरिवेटिव e की पावर x का डेरिवेटिव जो है वो e की पावर x होता है, तो ये हमने सॉल्व कर दिया। सिमिलरली एक और क्वेश्चन इसी तरह से तीन फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन में है, तो x की पावर n log x टू द बेस a इंटू e की पावर x, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, log x टू द बेस a इंटू e की पावर x को u मान लिया, इसको v मान लिया, तो u एज इट इज ये वाली टर्म यहाँ एज इट इज लिखी, और फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव किया हमने, फिर ये एज इट इज लिखा इंटू में इसका डेरिवेटिव किया, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, x की पावर n का जो डेरिवेटिव है वो n x की पावर n माइनस वन होता है, सबको मालूम है, और ये एज इट इज लिख दिया हमने, और उसके बाद x की पावर n बाहर लिखा। अब यहाँ पे इसमें हमने पहले ये v लिया, ये u लिया, u एज इट इज v का डेरिवेटिव दिस, ठीक है, प्लस v एज इट इज मतलब log को एज इट इज लिखा, और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ले लिया, फिर पूरे में से हमने e की पावर x x की पावर n माइनस वन कॉमन ले लिया। स्क्रीन पे पॉज करके देख लें कैसे कॉमन आया, और ये अंदर जो है फंक्शन बचा, तो ये इसका जो है वो आंसर आ गया। ठीक है, मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिवीजन रूल के बारे में आपके साथ डिस्कस करूँगा।